दुनिया में अलग अलग तरह के कई प्रयोग किए जाते रहे हैं ताकि मनुष्य को आगे आने वाली उसी प्रकार की परेशानियों से बचाया जा सके। कई बार वैज्ञानिक शोध करने की सनक में सारी हदें पार कर जाते हैं। ऐसा ही एक प्रयोग निकोलाय मिनोविसी ने किया। इस प्रयोग में उन्होंने खुद को 12 बार फांसी पर लटकाया। आखिरी बार जब वो फांसी पर लटके तो ऐसा कुछ हुआ जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। चलिए जानते हैं पूरी कहानी। निकोलाय मिनोविसी का जन्म 23 अक्टूबर 1868 को रोमानिया के एक शहर रामनेव सरावत में हुआ था। इन्होंने सेंट सावा नेशनल कॉलेज में अपनी पीएचडी की डिग्री और फोरेंसिक विज्ञान पर थीसिस भी लिखी थी। इसके अलावा उन्होंने मनोचिकित्सा तथा शरीर रोग विज्ञान पर भी अतिरिक्त कोर्स किए, लेकिन वो अपने एक अजीबोगरीब प्रयोग के कारण चर्चा में आए। उन्होंने मानव शरीर में फांसी पर लटकते समय क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं यह जानने के लिए खुद पर ही प्रयोग किए। शुरुआती प्रयोग में उन्होंने बिना किसी की सहायता के खुद को एक रस्सी पर लटकाया। गले में रस्सी के कसाव की शक्ति मापने के लिए उसमें एक डायनामोमीटर लगाया। यह प्रयोग महज 4 से 5 सेकंड चला। निकोलाय मिनोविसी को इन 4 सेकंड में कई प्रकार की शारीरिक परेशानियां हुई। उन्हें कम दिखना शुरू हो गया, त्वचा का रंग बदलने लगा, साथ ही कानों में बजने की आवाज आने लगी। 6वें और 7वें प्रयोग में उन्होंने अपने साथियों की मदद ली। रस्सी का फंदा बनाकर वो एक स्टूल पर खड़े हो गए। रस्सी का दूसरा सिरा सीलिंग पर लगे कुंदे से होता हुआ एक सहयोगी के हाथ में था। मिनोविसी के इशारा करते ही सहयोगी ने जोर से गिनती गिनते हुए रस्सी को खींच दिया। मिनोविसी जमीन से 2 मीटर ऊपर झूल गए। पहली बार उन्हें असहाय दर्द महसूस हुआ। यह प्रयोग भी 5 सेकंड ही चला। इस प्रकार मिनोविसी ने 11 बार साथियों के साथ यह प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने लटकने का समय 25 सेकंड तक कर लिया। मिनोविसी ने 12वें और अंतिम प्रयोग में पारंपरिक फांसी के फंदे का उपयोग किया, लेकिन यह प्रयोग भी केवल 4 सेकंड ही चल सका। इसके बाद उन्हें 1 महीने तक निगलने में परेशानी का सामना करना पड़ा। इस प्रयोग का निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने लिखा, 5 सेकंड बाद ही गले की नसों में जबरदस्त दबाव पड़ता है, चेहरे का रंग लाल होने लगता है, शरीर के कई हिस्से एक साथ सुन्न पड़ने लगते हैं, असहाय दर्द होने लगता है। इस प्रकार यह प्रयोग खत्म हो गया। निकोलाय मिनोविसी के जीवन को इस प्रयोग ने पूरी तरह से बदल दिया। उनके देखने सुनने की क्षमता कम हो गई और अंत में 26 जून 1941 को उनकी मौत हो गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।